अस्सलामुअलैकुम 9th क्लास बच्चे, आज एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूँ जिसका नाम है फोर्स एंड मोमेंटम। बेसिकली फोर्स एंड मोमेंटम ये चैप्टर के स्टार्ट में ही हम पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ अ फोर्स, व्हाट इज़ द मोमेंटम। फोर्स क्या करती है? फोर्स किसी बॉडी को मूव करवाती है या मूव करने की कोशिश करती है। अ फोर्स मूव्स आर टेंड्स टू मूव्स, स्टॉप्स या तो रोक लेती है, आर टेंड्स टू स्टॉप या रोकने की कोशिश करती है। फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। फोर्स किसी बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकती है। ये डिटेल के साथ हमने ये फोर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। और मोमेंटम ये हमारे पास क्या था? प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, के एक मैस एम जो है वो विद वेलोसिटी वी के साथ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। इट मींस वो मोमेंटम गेन कर रहा है। फार्मूला भी हमने इसका पढ़ा, इसका फिर इसका यूनिट भी हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, मोमेंटम का। फिर हमने ये कहा कि जो हैवी बॉडीज होती हैं वो अगर हाई वेलोसिटी के साथ जाती हैं तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, और जो लाइटर ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे पास कम मैस होता है, और ज़्यादा वेलोसिटी के साथ जाएं तो फिर भी मोमेंटम ज़्यादा होगा। इसी तरह से एग्जांपल्स भी हमने इसकी एक्सप्लेन की हुई हैं। आज एक्चुअली फोर्स एंड मोमेंटम का आपस में रिलेशन क्या है, ये आज का हमारा टॉपिक है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। तो बोर्ड की तरफ आए, देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इसको। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस एम। एक जब जनरल बात की जाती है तो उसमें हम एक मैस कंसीडर करते हैं, हमें नहीं पता वो उस ऑब्जेक्ट का मैस कितना है। तो जनरल हम बात कर रहे हैं कि एक बॉडी का मैस है एम, उसको कंसीडर करें। मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब इनिशियल वेलोसिटी का भी हमें नहीं पता कि कितनी है, तो ये जब कैलकुलेट करने की बात आती है तो मैस का भी पता होना चाहिए, वेलोसिटी का भी पता होना चाहिए। कि कंसीडर कर रहे हैं एक बॉडी ऑफ मैस एम है जो कि वेलोसिटी वी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। लेट अ फोर्स एफ एक्ट ऑन बॉडी, उस बॉडी के ऊपर एक फोर्स एफ एक्ट करती है विच प्रोड्यूस एन एक्सलेशन ए इन इट। हाँ जी, एक बॉडी ऑफ मैस है वो विद वेलोसिटी वी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी जब उसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी। तो ये इनिशियल वेलोसिटी थी, अब उसकी वेलोसिटी हो जाएगी हमारे पास क्या, फाइनल वेलोसिटी वी एफ। इसका मतलब है वेलोसिटी में अगर चेंजिंग आई है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है टाइम के साथ साथ। लेट अ फोर्स एफ एक्ट्स ऑन बॉडी विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ए इन इट, दिस चेंजेस द वेलोसिटी। इससे क्या होगा, जो फोर्स एक्ट की है उसने उसकी वेलोसिटी को चेंज कर दी है। लेट इट्स फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी बिकम्स वी एफ, अब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वी एफ होगी। If the पी आई, पी हम मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं, P इज इक्वल टू एम वी। इफ पी आई इनिशियल मोमेंटम एंड पी एफ फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी रिलेटेड टू इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। पी आई जो हमारे पास है ये उस ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम है, एम जो है विद वेलोसिटी वी मूव कर रहा था, तो फिर उसके बाद फोर्स एफ ने एक्ट किया, एक्सटर्नल फोर्स ने उस बॉडी ऑफ मैस एम की मोशन के ऊपर, तो अब उसका मोमेंटम हो गया फाइनल एम वी एफ। मैस चेंज नहीं होगा क्योंकि फोर्स की एक्ट करने से मैस ऑफ ए बॉडी चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी इज एम वी आई एंड द फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी इज एम वी एफ। इनिशियल मोमेंटम का भी हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी के साथ वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था जिसका मैस एम था, तो उसका इनिशियल मोमेंटम, बाद में उसकी वेलोसिटी कैसे चेंज हुई कि हमने एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई की है, उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग आई है, वेलोसिटी में चेंजिंग आई है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। एज वी नो दैट एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि उसमें चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे हम, हमें पता है कि ये होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम।
फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम जो है वो सब्ट्रैक्ट कर ले। फाइनल मोमेंटम का कौन सा होगा, जब वेलोसिटी उसकी चेंज हुई, वी एफ हुई थी, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम एम वी आई, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, फाइनल मोमेंटम पी एफ माइनस पी आई, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी एफ, एम मास ऑफ ए बॉडी एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ ए फाइनल वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी, माइनस एम वी आई, एम इज द मास ऑफ ए बॉडी, वी आई इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज, चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। दस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज गिवन, अब रेट टाइम वाला फैक्टर आ जाएगा इसमें, दोनों तरफ से टी पे डिवाइड कर दें इस इक्वेशन को, टाइम पे डिवाइड किया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ओवर टी, फाइनल मोमेंटम को एम वी एफ माइनस पी आई, एम वी आई ओवर टी, दोनों तरफ से टाइम से डिवाइड कर दिया हमने, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। एम दोनों में ऊपर वाली वैल्यूज दोनों में कॉन्स्टेंट है, मैस दोनों में तो कॉमन ले लें, तो ये एफ वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो अभी हमने ऊपर फार्मूला एक लिखा है, क्या ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, तो वी एफ माइनस वी आई ओवर टी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ए एम इन टू ए, ये वही है हमारे पास, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एम ए। अब ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, एम ए, वी नो दैट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन ए फोर्स एफ एक्ट्स ऑन ए बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। अब वो एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और जो एक्सेलरेशन था मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था न्यूटन सेकेंड लॉ में, तो इसका मतलब है ये एफ के इक्वल होगा। एम ए किसके इक्वल है, एज वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एम ए की जगह हमने एफ पुट कर दिया। अब ये क्या बन गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। डिफाइन करते हैं हम इसको, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करती है, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। जब हम एक फोर्स एफ किसी बॉडी के ऊपर लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, एंड विल बी, और वो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। एफ फोर्स एक्ट करे किसी बॉडी में, उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा और वो किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, एंड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी। तो ये हमने एक्सप्लेन किया कि जो हमारे पास फोर्स एफ है और जो मोमेंटम है उसका आपस में क्या रिलेशन है। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज न्यूटन सेकेंड। हाँ जी, मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, पी इज इक्वल टू एम वी, मैस किलोग्राम में, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, इसको हम न्यूटन सेकेंड भी कह सकते हैं क्योंकि न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डॉट सेकेंड, तो पर सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड है तो ये वही बन जाएगा हमारे पास, ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी, तो इसलिए विच इज द सेम एज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि जो न्यूटन सेकेंड है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के इक्वल है, तो यूनिट ऑफ मोमेंटम हमने एक्सप्लेन किया इसको। एक एग्जांपल है कि एक बॉडी ऑफ मास एम मूव कर रही है जिसका मास है 5 किलोग्राम, अ बॉडी ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ मास इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 2 सेकेंड। एक 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर रहा है, उसको रोकने के लिए 2 सेकेंड के अंदर रोकने के लिए कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट है, एफ कैलकुलेट करना है। फाइनल वेलोसिटी जब जीरो हो जाएगी, टी फाइनल वेलोसिटी जीरो कब होगी, जब वो रुक जाएगा 2 सेकेंड के अंदर। एफ इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी, पी मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम बॉडी माइनस इनिशियल मोमेंटम बॉडी ओवर टी, एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी, यही फार्मूला जो अभी हमने प्रूव किया है ये इसमें लगेगा। तो 5 इंटू 0
वी एफ फाइनल जीरो जीरो है माइनस फाइव इंटू टेन, तो ये हो जाएगा, ये तो फैक्टर जीरो हो गया, ये 50 डिवाइड बाय 2 माइनस 50 डिवाइड बाय 2 एफ इज इक्वल टू माइनस 25 न्यूटन। अब माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो ऑब्जेक्ट जो 5 किलोग्राम का 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ जा रहा है उसके अपोजिट में कितनी फोर्स लगाएं, नेगेटिव साइन डायरेक्शन बता रहा है फोर्स की, और 25 जो है ये मैग्नीट्यूड है और न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट है, कि 25 न्यूटन फोर्स लगाएं जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उसके अपोजिट में, देन 2 सेकंड के अंदर वो बॉडी स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। तो वेरी इंटरेस्टिंग ये एग्जांपल है हमारे पास, तो इसको गौर के साथ आप लोगों ने समझना है, पढ़ना है और सही तरीके से आप लोगों ने इसकी कैलकुलेशन करनी है। अल्लाह हाफिज़।